नहीं, जब कुछ जो न्यूज़ आई थी कि जो इटरीज हैं, ढाबाज हैं, उसमें काफ़ी संक्रमित पाए गए थे सोनीपत के में, उसके बाद में यहाँ करनाल में भी हमने इसके कदम उठाए हैं और डिफरेंट ढाबा और इटरीज पे जहाँ पे पब्लिक का डीलिंग ज़्यादा रहती है उनकी हमने रैंडम सैम्पलिंग काफ़ी तेज़ करी है, और उसमें बहुत सी ऐसी जगह मिली हैं और ऐसे ढाबे मिले हैं जहाँ पे स्टाफ संक्रमित पाया गया है, तो उन्हें इमीडिएटली सील करके और वहाँ पे सैनिटेशन करवाई गई है। कल भी हमारे जैसे लगभग 4 ढाबे हैं उनमें हमने करवाई थी, और लगभग 8 लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट ढाबों में उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसलिए हम बार बार हम ये अपील करना चाहेंगे सभी से, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी, कि अपने साफ़ सफाई का, अपने स्टाफ की रेगुलर चेकअप का, थोड़े से भी कोई सिम्टम आते हैं इमीडिएटली उनको टेस्ट करवाया जाए, जिससे कि ये किसी और लोगों को हम आगे संक्रमित ना करें। समय रहते हैं जिस तरह के सैंपल लिए गए हैं ढाबों से, कहीं ना कहीं जिस देखा जा रहा है कि ज़्यादा केस नहीं है, तो समय रहते जो कदम उठाए गए इस पर कहीं ना कहीं बचाव भी हो सकता हाँ है। बिल्कुल, ये है कि जल्द, क्योंकि इमीडिएट हमने सभी जगह पे ये स्टेप लिए हैं, तो इससे एक तो अवेयरनेस भी बढ़ती है, उनको इसके लिए एजुकेट भी किया गया है कि अपने स्टाफ का, जो भी स्टाफ रखा हुआ है उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाते रहें, और किसी की कोई सिम्टम्स हैं, कोई फीवर आ रहा है तो उसको उस ड्यूटी से इमीडिएटली अलग करके उसका टेस्ट करवाएं, जिससे कि किसी दूसरों को कोई ये प्रॉब्लम ना दे सके। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कितनी टीमें लगी हुई हैं लोगों के जो टेस्ट सैंपल लेने में या कहीं? देखिए, जब अभी 4 तो फिक्स साइट्स हमारी करनाल सिटी में हैं, और इसके अतिरिक्त 2 मोबाइल वैन्स हैं जो सिटी के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में या रूरल एरिया में अकॉर्डिंग टू रोस्टर जाती हैं। इसके अलावा सभी CHCs में, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में, और कुछ जो PSCs हैं उसमें भी डेली सैम्पलिंग हो रही है। तो लगभग 15 से 16 जगह ऐसी हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे रेगुलर डेली सैम्पलिंग हो रही है।